एक औरत 2020 में पैदा हुई अच्छा। और 2020 में ही मरी अच्छा। लेकिन जब वो मरी थी तब उसकी उम्र 60 साल की थी। अब बताओ ये कैसे हुआ होगा? अगर तुमने ये बताया तो आज इनाम है 5,000 रुपए। 2020 में पैदा हुई, 2020 में मरी। हाँ, और जब मरी थी तो उसकी उम्र 60 साल की थी। अरे भैया ऐसी बात की तो पहेली है बेटे। 5,000 रुपए 60 साल की? हाँ 60 साल की, यही यही तो पहेली है आज की। अरे तो ऐसा तो 80 साल में, 2080 में मरनी चाहिए थी। तुम्हारा जवाब बिल्कुल अच्छा है लेकिन सही नहीं है। हमारी तो पहली यही तो पहली है बेटे, वो तो कैलकुलेशन कोई भी बता देगा। 5,000 किस बात की? छोटी बच्ची होगी तो वो। अच्छा तुम्हारे हिसाब से वो छोटी बच्ची हो सकती है, यानी कुछ महीने की? नहीं, ये पूरी औरत थी, 60 साल की थी जब मरी थी तब। ऐसी तो हुआ, ऐसी बात की तो 5,000 रुपए बेटे। सोचो, दिमाग लड़ाओ कुछ, कैसे हुआ हुआ ऐसा? दिमाग का लड़ा मैं तो 80 साल की होनी चाहिए ना वो। 60 साल ना, तो 80 साल की जब होती 2080 में तुम्हारे हिसाब से। ये तो 2020 में ही पैदा हुई और 2020 में ही मर गई, लेकिन जब ये मरी थी तब इसकी उम्र 60 साल की थी। अब बताओ कैसे हुआ? और तभी तो हम पूछ रहे हैं। अरे भैया अगर हमें पता नहीं होता तो पूछते क्यों हम? श्रीदेवी का नाम? श्रीदेवी? श्रीदेवी नहीं, श्रीदेवी नहीं है। ऐसा कौन होगा? दिमाग लगाए ना, उसका नाम नहीं बताना आपको। वो कौन थी ये बताओ, ये कैसे हुआ होगा? कैसे हुआ आप बताओगे भैया? भाई जब सोच रही है, सोच लो आराम से, ये सोचने का क्वेश्चन है। एक औरत 2020 में पैदा हुई और 2020 में ही मरी, लेकिन जब वो मरी थी तब वो 60 साल की उम्र की थी। अब सोचो और बताओ, दिमाग लड़ाओ, ये कैसे हुआ होगा? बचिए बेटे, बचिए जरा इधर को। कैसा होगा यार, दिमाग कुछ ऐसा तो हो ही ना सकता। इसी बात का तो 5,000 रुपए भैया, ऐसा ना हो सकता बेटा जी। इसी बात का तो 5,000 है। एक औरत जी 2020 में पैदा हुई भाई साहब ना, 2020 है। अच्छा 2020 है जी। और 2020 में ही मर गई वो जी? 2020 में ही मरी, लेकिन जब वो मरी थी तब उसकी उम्र 60 साल की थी। अब आप ये बताओ ये कैसे हुआ होगा? बेवकूफ बना रहा है यार यहाँ पे आके। बेवकूफ नहीं बना रहा, ये अजीब पहेली है। ये दुनिया की सबसे अजीबो गरीब पहेली है भैया, और इसी के लिए 5,000 रुपए इनाम है इस चीज का, बताने का। देखो भाई साहब, क्या जादू छड़ी हाथ में क्या है? अरे ना ये तो दिखाओ दिखाओ भाई साहब जरा। चलो ये भी देख लो आप। अपनी टोपी हमें तो ना पहना रहे हो। अरे बेटे टोपी नहीं पहना रहा मैं, तुम कैसी बात कर रहे हो बच्चों? ये एक पहेली है, दिमाग लड़ाओ कैसे हुआ होगा। कुछ ना कुछ इसमें छुपा हुआ तो लग रहा है मुझे। ये भैया IAS में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं वो तो कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ छुपा हुआ लग रहा है मुझे। IAS में पूछा गया था ये प्रश्न, जो कोई मजाक नहीं है, ठोकर उड़ाने वाली बात नहीं है, ये हकीकत में एक सवाल है यार। बिल्कुल असलियत में बेटे, ये IAS की परीक्षा में पूछा गया था, इंटरव्यू में। भाई साहब अगर हम 2 से 2 को काटे, 0 से 0 और 2 से 2 और 0 से 0 जी, तो भाई साहब ये बचता है 0 यहाँ पे आके जी। 6 बजे तो ये 6 कहाँ से आ गए भाई साहब? 60 साल की कैसे हो जाएगी? हाँ इसी बात के 5,000 है भैया, और इसी बात का IAS का वो है पद, IAS में पूछा गया था ये प्रश्न। IAS इसी बात के तो 5,000 रुपए है मेरे भाई। आजा सो खोपड़ी में आजा, पूछ लो चलो किसे। भाई साहब बड़ा फंस दिया आज तो आपने। मैं फंसना आपको लग रहा होगा फंस गए आप, लेकिन आप फंसे नहीं है। ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और इसका आंसर ही बड़ा मजेदार है भैया। मतलब मजेदार आपके हिसाब से। जब आप ये सोचो, इसको जब IAS में पूछा गया होगा तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। वो लोग यूजलेस सवाल तो करते रहिए उसके अंदर यार, तो होगा इसके अंदर ऐसा। 108 नंबर भी है और 102 नंबर भी है। मुझे भी नहीं पता 2020 का नंबर कहाँ से आ गया है। देखो सोचो, दिमाग लड़ाओ और 5,000 रुपए घर लेके जाओ पार्टी करने के लिए। भाई कोई बच्ची तो हो सकती है यार, छोटी मोटी, 2020 में पैदा होकर 2020 में मर जाए। तो ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा भाई साहब। हाँ उसे मैं दूंगा क्यों? उसे तो एक टॉफी दे के बता दूंगा मैं, चॉकलेट टॉफी। उसे 5,000 रुपए क्यों दूंगा मैं? ना भैया 60 ही लिखना क्या जरूरी थे? आप 60 साल की थी असल में वो? असल में मतलब हो ही गई वास्तव में। आप समझ रहे, IAS में पूछा गया था प्रश्न था तो भाई साहब जरा बताइए कैसे हो जाएगी। देखो भैया देखो, हाँ देख रहा है भाई साहब, पहले आप दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या है बताओ भाई साहब। एक औरत, ठीक है ये मत कहना आप यार, ये तो हमें पता था, हम बताए थे। हाँ अभी बताओ, अभी बताए, अभी मौका आपके पास, चलो बाद में करो आप। औरत, एक औरत 2020 में पैदा हुई,
और 2020 में ही मरी। हाँ। ना ही तो यहाँ सन लिखी हुई है। हाँ। ना ही साल लिखा हुआ है। हाँ। एक औरत अस्पताल के रूम नंबर 2020 में पैदा हुई और सन 2020 में मरी। अबे जब वो मरी तब उसकी उम्र 60 साल की थी। अब आया आपके समझ में कैसे हुआ? मतलब अस्पताल के कमरा नंबर उसमें पैदा हुई, कमरा नंबर 2020 में पैदा हुई थी वो। यार हम ये जो क्या नाम है गाड़ियां भागी फिर रही है जो योगी मोदी ने चलाई है, 100 और 102 को ढूंढे फिर रहे हैं। ना 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 नहीं, अरे आप तो एम्बुलेंस का मतलब इस चीज का आप समझे नहीं क्या है ये? नहीं तो दोबारा समझाऊं? ये औरत जो पैदा हुई थी ना, ये रूम नंबर 2020 था हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का नंबर है, लेबर वार्ड 2020। तो भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते छोटा। अरे ये तो 5000 की बात के फिर क्यों देता हूँ 5000 रूपए आपको? फिर तो इनसे छोटा बच्चा भी कर देता इनका छोटा भाई। तो यार एक चीज लिख देते कम से कम, यहाँ पे साल लिख देते, यहाँ पे साल ना लिखते तो दिमाग लगा देते, तब भी 5000 रूपए देता आपको, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन था? और आप तो ऐसा करो जैसे आपको नुकसान हुआ हो, कोई पैसे लिया मैंने आपसे। अरे अफसोस तो इस चीज का है ना, 5000 गए हाथ से। 5000 जाने का अफसोस है। हाँ। भाई यहाँ पे भी अगर आपका साल लिखा हुआ होता तो हम इसमें दिमाग घुसेड़ लेते भाई, यह साल क्यों नहीं है लिखा। हाँ, तो इसी बात का तो 5000 रुपए थे, थोड़ा सा तो घुमाना पड़ता है। सीधे सीधे वो तो आदमी पूछेगा क्यों भाई, कोई 5000 रुपए क्यों देगा दी सारी बात? भाई साहब हमें कोई नौकरी थोड़ी ना दे रहे, 5000 का तो सवाल था, वो दे देते। 5000 रुपए कम होते? अरे वाह भाई, चलो मैंने आपको बता दिया, आपका दे रहे मुझे नाम। अब हम क्या नाम देंगे, हमारे पास है ही ना कुछ भी। तो फिर आप तो 5000 रुपए लेने चक्कर में थे। तो ये औरत अस्पताल के रूम नंबर 2020 में पैदा हुई, आ गई समझ में भाई साहब हमारे, और साल 2020 में मरी, इसीलिए इसकी उम्र 60 साल की थी। आ गई भाई, ठीक है भैया, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा भी छोटे भाई, कैसा लगा आपको ये पहली? बढ़िया। इसको याद रखना हमेशा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के एग्जाम में। ठीक है भैया, ओके।